हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई एक वीडियो लेके। सो आज हम जा रहे हैं इंडियन ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। सो घर में जो है चक्की, आटा, पुआ, सिवैया वगैरह ख़त्म हो गया है। सो हमने सोचा कि चलो ठीक है, आज जो है इंडियन ग्रोसरी स्टोर चलते हैं, मतलब जो है ऑस्ट्रेलिया में देसी अपने परचून की दुकान पर जा रहे हैं। सोचा कि परचून की दुकान पर जा ही रहे हैं तो साथ में आपको भी लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सामान मिलता है, कितने का मिलता है। सो चलिए बने रहे इस वीडियो के एंड तक और इस वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिएगा। सो आ गया इंडियन ग्रोसरी स्टोर। तो ये जो परचून की दुकान है ये हमारे घर के पास में ही है। सो अभी हम जो अपने घर के पास वाली दुकान पे आए हैं और जैसे आप देख सकते हैं ये जो दुकान है सातों दिन ओपन रहती है हफ्ते में, और सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक दुकान खुलती है। सो चलिए चलते हैं अब दुकान के अंदर। सो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर परचून की दुकान, यहाँ पे जो है हर तरह का सामान मिलता है ग्रोसरी का, जैसे दाल, आटा, चावल और अचार, घी, बर्तन और फ्रोजन सामान भी मिलता है। फ्रोजन सामान के अंदर जो है तरह तरह के स्नैक्स या फिर बहुत तरह की सब्जियाँ मिलती हैं। और अभी लेते हैं पोहा। कई तरह के पोहा है, मीडियम पोहा, थिन पोहा, ये ले लेते हैं। सो इस शॉप में जो है काफी सारी रोज बनी हुई है और हर रोज में विभिन्न प्रकार का सामान रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जो सामान है उसी के सामने प्राइस का लेवल लगा हुआ है। सो उस पर जो भी इसका प्राइस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलियन करेंसी में। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो भी सामान मिल रहा है वो ऑस्ट्रेलियन करेंसी में मिल रहा है। जस्ट इन केस अगर आप जानना चाहते हैं कि जो सामान का प्राइस है वो इंडियन करेंसी में कितना होगा, वैसे तो डॉलर का प्राइस डेली बदलता ही रहता है, बट अगर मैं जनरल बात करूं, आप ऑस्ट्रेलिया का $1 इंडिया के 50 रुपए के बराबर मान के चल सकते हैं। अगर आपको कहीं $1 प्राइस दिख रहा है किसी सामान का तो आप मान लीजिए वो इंडिया के 50 रुपए के बराबर है, और यदि आपको $2 दिख रहा है तो आप मान के चलिए कि वो इंडिया के 100 रुपए के बराबर है। सो आप जो है लमसम कैलकुलेट कर सकते हैं। पोहा ले लिया है, अभी लेना है गुड़। ये देखिए कौन सा गुड़ लोगे बेटा, अजवाइन वाला, नॉर्मल देसी गुड़, पंजाबी देसी गुड़। ओके, यम्मी यम्मी, ये इज इट सो हैवी, ओके ला दे दो। ढोकले का आटा, रागी फ्लोर, और ये देखिए डावर हाजमोला भी मिल रहा है यहाँ पे। बचपन में तो बहुत खाया करते थे हम लोग। और ये देखिए अपने भारत का टाटा नमक मिल रहा है। 2 ले लेते हैं, 2 पैकेट $2 में। Son has put it back. High five. Good girl. Good. सागो, साबुदाना 1 kg लगभग $5 का है। साबुदाना कौन खाएगा? सागो को बहुत पसंद है साबुदाना। और ये है कुट्टू का आटा व्रत के लिए। तो वैसे तो ये दुकान बहुत ही बड़ी है, इसमें जो काफी तरह का सामान मिलता है। सो सारा सामान तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी वीडियो में कि यहाँ पे क्या क्या सामान मिल रहा है, बट एक डेफिनेटली मैं आपको एक जनरल आइडिया देने की कोशिश करूंगी कि यहाँ पे क्या क्या सामान मिल रहा है, कितने रुपए का मिल रहा है। और ये है लाल मिर्ची, साबुत मिर्ची, हल्दी, साबुत धनिया। तो बेसिकली यहाँ पे सब चीज मिल रही है जो भी हम लोग को चाहिए होती है अपने इंडियन किचन में, जीरा। और ये है मीठी सौंफ खाने के बाद खाने के लिए। तो ये मिल रहा अपना घी, देसी घी, और ये जो देसी घी है हर साइज में मिल रहा है, मतलब 1 लीटर का भी कंटेनर मिल रहा है, 2 लीटर का भी मिल रहा है, 5 लीटर का भी मिल रहा है। और अभी आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाती हूँ, वो है ये है अपने भारत का ट्रेडिशनल टिफिन जो देखने में बहुत ही क्लासिक लगता है, और इसमें जो आराम से खाना भर के चाहे तो पिकनिक ले जाओ, चाहे तो ऑफिस ले जाओ, या तो फिर स्कूल ले जाइए। सो इसके साथ अलग ही मेमोरीज है हमारी। और बर्तन वाले रखे हैं काफी सारे। यह क्यूट सी कढ़ाई, और यह है मैगी,
मसाले वाले ही यहाँ पे मिल रही है, लाइक वैसे तो मैगी जो ग्लोबल ब्रांड है बट जो मसाले वाली यहाँ पे मिल रही है हमारी हॉस्टल की यादों यादों में उसका जो बहुत योगदान है। उसका जो प्राइस है वो है $5 की 8 पैक। मम्मा को लिस्ट में क्या क्या चाहिए? और सो अभी आपको दिखाते हैं चटनी अचार वाला सेक्शन और केचप वगैरह। सो अभी सबसे पहले यहाँ पे है ये मैगी ब्रांड का रिच टोमेटो केचप। हींग हींग मिल रहा है यहाँ पे, तेज पत्ता मिल रहा है, एवरेस्ट गरम मसाला, एवरेस्ट का किचन किंग, शाही पनीर मसाला। सो हर तरह के मसाले हैं यहाँ पे। लिटिल हर्ट बिस्किट, वहाँ पर जो है भगवान जी की मूर्ति रखी है बहुत प्यारी प्यारी। जय श्री राम। ये जो है इधर फ्रीजर वाला सामान है, रसमलाई। सो फ्रोजन सेक्शन में काफी सारी सब्जियां हैं। सो कई बार क्या होता है कि अपने भारत की सारी सब्जियां जो है ताजी कई बार नहीं मिल पाती है। सो बट यहाँ पे कई बार जो फ्रोजन सेक्शन मिल जाती है सो अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट हमको जो उसको खाने का मौका मिल जाता है। और इधर मिल रही है शाही कुल्फी, और जो कुल्फी है मिल रही है लगभग $4 की, मतलब लगभग 200 रुपये इंडिया के हिसाब से मान लीजिए। इधर जो है नमकीन वगैरह रखा है। हाँ बेटा, यू वॉन्ट टू होल्ड इट? सैंडविच होल्डिंग इट, ओके। ये देखिए मिल रहा है हल्दीराम का खट्टा मीठा नमकीन, मुझे बहुत पसंद है ये। और ये हल्दीराम की भुजिया नमकीन। और यहाँ पे जो है डॉक्टर बहुत मस्ती कर रही है। सो जब कभी भी हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं सो सानवी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, उसको बहुत मज़ा आता है शॉपिंग मॉल में जाके या किसी और भी शॉप पर जाके। ये चाहिए इधर जो है सानवी अपना सामान जो बास्केट में रख रही है उसको जो जो चाहिए, बस बस इतना ही काफ़ी बेटा, है ना, इतने ही लेके जाएंगे, ठीक है। उठा लिया आपने? बहुत तरीके के नमकीन मिल रहे हैं। हाँ बेटा, ओके। अभी लाल बास्केट भर दिया, अभी कह रही ब्लू बास्केट में भरूंगी सामान। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेन चीज़। तो हमारे चैनल के काफ़ी सब्सक्राइबर्स हमको पूछते हैं कि वहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया में आटा वगैरह मिलता है क्या, आटा या चावल। सो मैं आपको बताती हूँ कि हाँ यहाँ पे जो है सब मिलता है, बासमती राइस और चक्की का आटा। ये है चक्की का आटा, होल व्हीट फ्लोर। और ये देखिए आशीर्वाद का आटा मिल रहा है। सो आशीर्वाद आटे का प्राइस है 10 kg लगभग $18 का, लगभग 900 रुपये का 10 किलो आटा मिल रहा है आशीर्वाद का। सो आटा मैंने आपको दिखा दिया, अभी दिखाते हैं राइस। तो जैसे ये वहाँ पर मिल रहा है इंडिया गेट का बासमती राइस, ये 5 kg का है पूरा पैकेट। और ये भी देखिए, ये भी बासमती राइस है इंडिया गेट का। सो काफ़ी सारे वैरायटीज़ हैं, सबका प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है। सो जैसे ये प्रीमियम क्वालिटी का राइस है तो इसका प्राइस है लगभग $20 मान लो आप, ₹1000 का 5 किलो। ये देखिए दावत का राइस ही मिल रहा है। सो जैसे अपने देसी घरों के लिए शाम है वो चाय के बिना तो होती ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं होती। सो यहाँ पे ये देखिए मिल रहा है चाय पत्ती। सो ये है टाटा टी गोल्ड 450 ग्राम। टाटा की चाय पत्ती का प्राइस है वो है 450, मतलब $9 का लगभग 450 रुपये। यहाँ पे मिल रहा है चाय पत्ती और इधर मिल रहा है नमकीन चाय के साथ खाने के लिए। सो नमकीन खा लिए, अब कुछ मीठा हो जाए। सो मीठे के लिए जो यहाँ पे बिकैनो ब्रांड के रसगुल्ला मिल रहा है। ये राजभोग गुलाब जामुन, प्राइस है बिकैनो का गुलाब जामुन का लगभग $1 $8 का, मतलब ₹400 का 1 किलो। और ये देखिए बिकैनो ब्रांड की सोन पापड़ी मिल रही है। सोन पापड़ी देख के तो दिवाली की याद आ जाती है।
सो अभी जो सिवैयाँ खत्म हो गई घर में बिल्कुल, सो सिवैयाँ ले लेते हैं, मतलब वर्मिसली ले रहे हैं बैम्बिनो की वर्मिसली ले रहे हैं। तो ये है 800 ग्राम, 800 ग्राम का पैकेट है और ये मिल रहा है $3 का, सो लगभग 150 रुपये में 800 ग्राम सिवैयाँ मिल रही है। सो हम लोग का जो जो सामान चाहिए था वो ले लिया, अभी जा रहे हैं बिलिंग कराने। आटा भी ले लिया है, लास्ट में याद आया एकदम। सबको आइडिया लगी गया होगा कि भारत का क्या क्या सामान यहाँ पर मिलता है और क्या कितने कितने प्राइस में मिल जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई सामान भारत से ऑस्ट्रेलिया में आया है ना समुद्र वगैरह पार करके तो उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, तो बट स्टिल यहाँ पे वो सामान मिल रहा है वही काफ़ी है। तो जैसे अभी हमने जो है मल्टीग्रेन आटा अभी परचेस किया है इंडियन स्टोर से, बट अगर आप सुपर मार्केट में वगैरह जाएंगे तो वहाँ पर जो है यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो एक्चुअली मल्टीग्रेन आटा नहीं खाते हैं, मैदा वगैरह ही ज़्यादा खाते हैं। सो गेहूँ का आटा वगैरह जो है इंडियन स्टोर से मिल जाता है, सो हमको जो है काफ़ी रिलैक्स रहता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है भारत की सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। सो चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, यदि पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपकी वीडियो कैसी लगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।